नमस्कार दोस्तों, विंटेज ऑडियो मेमोरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सेट, और ये ब्रांडिंग है दोस्तों यूनिसाउंड। जो लोग इसे यूज़ कर चुके हैं वो समझ गए होंगे किस कंपनी का ये ब्रांड है, और मॉडल नंबर दोस्तों CPA 360। इसके अलावा दोस्तों, ये यहाँ पर आपको कुछ ये दाग जैसा जो दिख रहा है, ये कोई दाग धब्बा नहीं है दोस्तों। ये प्लास्टिकिंग कोटिंग होती है, पन्नी बोलते हैं जिसे। ये तो थोड़ा यहाँ से फूल गई है क्योंकि सेट काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। इसे हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी पहले इंटरफेस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दो माइक सॉकेट हैं, दोनों के लिए टोन कंट्रोल ऊपर हैं। एक टेप का है और यहाँ पर एक सेलेक्टर स्विच है, लो हाई के लिए टेप, लो हाई और बेस ट्रेबल। और ये कैसेट मैकेनिज्म है दोस्तों। इस सेट में रिवाइंड का ऑप्शन नहीं मिलता है, एक ही कंट्रोल होता है प्ले, फॉरवर्ड और इजेक्ट का। यहाँ से आप कैसेट लगा सकते हैं कार कैसेट प्लेयर की तरह। और ऊपर की तरफ दोस्तों ये ट्रांसपेरेंट एक हिस्सा है यहाँ पर, यहाँ से कैसेट दिखाई देती है और मैकेनिज्म दिखाई देता है। और बाकी कैबिनेट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ कुछ स्क्रैचेस हैं और यहाँ कुछ स्क्रैचेस हैं। एक बार पीछे की तरफ से इसे देख लेते हैं तो दोस्तों, ये इसका पीछे की साइड है, पीछे का हिस्सा है। और ये यहाँ देख सकते हैं, आप इधर 12 वोल्ट DC का सॉकेट दिया गया है ये। उसके बाद दोस्तों 2 3055 के ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। उसके बाद ये स्पीकर सॉकेट है यहाँ कॉमन, और ये 4 ओम 8 ओम 16 ओम के लिए, और एक 100 वोल्ट का लाइन है दोस्तों। उसके अलावा एक लाइन आउट के लिए यहाँ पर सॉकेट दिया गया है, और एक ऑक्स के लिए इस तरफ दिया गया है। बाकी मेरे पास छोटा स्पीकर है दोस्तों, मैंने 4 ओम पे ही कनेक्ट करके रखा है एक। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि ऊपर की तरफ थोड़े से स्क्रैचेस हैं, तो मैं थोड़ा उत्सुक था कि इसकी अंदर से कंडीशन कैसी होगी, तो मैंने इसे खोल के रखा है। मैं इसका ऊपर का कवर हटा देता हूँ और अंदर से आपको दिखाता हूँ कैसा है ये। तो ये देखिए दोस्तों, आप अंदर से देख सकते हैं मैंने ये कवर हटा दिया है। बहुत ही भारी कैबिनेट है दोस्तों, आहूजा का आपको पता ही होगा, आप लोग सब जानकार हैं। चलिए मैं इसे एक बार फ्लैश ऑन करके थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने ये पहले यूज़ किया है तो आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं जो भी कंपोनेंट इसमें लगे हुए हैं। कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है दोस्तों, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और ये मैकेनिज्म है, इसकी कंडीशन भी आप देख सकते हैं, सिंगल पुली का ही मैकेनिज्म होता है दोस्तों। तो चलिए इसे थोड़ा सा टेस्ट करते हैं दोस्तों। पिछले वीडियो में जो एक फिलिप्स का डुअल कैसेट प्लेयर था, उससे मैंने नो कॉपीराइट वाले कुछ इसमें ऑडियो रिकॉर्ड कर ली थी एक कैसेट में, वही मैं यहाँ प्ले करने वाला हूँ। ये मैंने कैसेट लगा दिया है। दोस्तों, मैकेनिज्म कंट्रोल के लिए यहाँ पर दिया गया, अब ये कैसेट प्ले हो रही है, यहाँ पर दिया है प्ले, फास्ट फॉरवर्ड और रिजेक्ट। इसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो कैसेट फॉरवर्ड होने लगती है, ये देखिए। प्ले
वो रिजेक्ट करने के लिए दोस्तों इसको थोड़ा जोर से प्रेस करना होता है, ये देखिए। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये सेट पसंद आया हो और आप इसे परचेज़ करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और आने वाले समय में भी मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।